let them pass. बस भाई रवि मो भो कहा मिछ कहि कि कहा संगरे विश्वासघातकता करिनि। हां एक कथा सत्य जे हम दुकान घर बे बंधा पड़ी हेले एक कथा भी सत्य जे आकाश पाखरे बे समय अछि से परिश्रम करी आम दोकान घर को मुखुले नब बैंक एपर्तंत आम दोकान को नहीं जाई नहीं आम चाहिले आम दोकान को बचे पार शांति देवी वाह शांति देवी वाह मु भावुली आप चालाक आप दीपद आगर अच्छा आपण आउ गोटे मिछ कहिले ना ना सत्तटा आपण जानि नांती जे आज ही आपण को दुकान को बैंक नै जाईची आज ही सब दिन पई आपण को दुकान ने ताला पडबा को जाऊची। ना ना एमिति हेई परिवनी ना ए शांति देवी आपण ना कहले कौन सतटा बदली जीव ना कौन आदि मो कथा को विश्वास होनी ताले आपण को सुपुत्र को टिके पचारि दियंतु। आकाश ए कथा कौन सत्य आकाश भय रे भी जा कहू छे से सब कोन सत मो मुंड छुईचु आकाश सत कह आम दोकान कह सतरे आज आम हाथ चल लोक कौन सतरे आम छुआ दोकान छड़े ने आकाश मो
पाखकु आसना तू मो विश्वास भांगीचु कथार अच्छी जे भगवान सबु सहंती हेले गर्व सहंती अरे जो पुओ को नहीं आज पर्यंत मुझे गर्व करूली से पु आज मोठारु एत बड़ सतक लुचेला मो भरोसा भांगी देला मो भरोसा भांगी देला भैरवी मु जानी आकाश जहाँ भी करी बहुत बड़ा भूल करी माँ हिसाब से मुझे भी चाहे मो पुर बाहर भागी जाओ से मुझे अनुरोध करुची तु बाहर भागना जदि समस्ते जाने ताले आकाश और रश्मि दी जन बदनाम हम बेदी उपर बाहर भांगी जाइछि बोली जदि समस्त जानिबे ताले तांको संगे बाहर आ केबे भी केही करबा कु चाहिबेनी ओते ओते विश्वास कर भैरवी मो रश्मि आ आकाश ती जणक पई कथा कहउछि तांकर भलो पई कहउछि विश्वास कर दया करी मोर एक कथा रख भैरवी बाघर बागना बाघर भैरवी आउसे तुम्हें माँ को एठू दे जाओ नौले तंग देव खराब दे जाओ भैरवी मोर ऐसी की कथा रख वो 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 तो अगर नेहरा है उची नौले नौले साई परिसर है हमें वो मुंडोट की बात तो चली पड़ी बनी दे जाओ आउसे ना तले पड़ी पड़ुम तम पर ना उधार कर ठिका नहीं पुअर रोजगार नहीं देवाड़िया मार पुओ प्रति चिंता कमुनि आहा तम पु बाते ना के तम पु बाहबी मोर राजकुमारी भाया सुंदरिया झीटा कौन बलि पकई देवी गोटे बोली अली अली झी मोर मुझे गेल बसर बड़ करी भिकारी घरे मो झी को बाहर देवी ना असंभव ये बापा आकाश शुण मो झी को बाहर तुम स्टैंडर्ड ना है तुम ना पड़ बाघर भांगे कि मो झी हजार टका मिल जाए हाँ 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 जाओ जाओ तुम कौन भाव तुम झील सहित आम भाई बाहर करने विकल हो ना भाई प्लीज चल इटू जी भाई आम इटे ढड़ा हेन ये ढड़ा कि आम टाइम वेस्ट करें चल आम इटू जी को तो बड़ बो दरकार ना बापा ये बंधु बांधे चाहू कथ मुझे रखी एत बड़ इच्छा को मुमित आड़े चली जानी रश्मि बाघर पर चल कष्ट हम कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आसो से तुमको भी टी एडजस्ट कर रश्मि तुम्हें जमा भी व्यस्त हेनी आम दिज मिसी सबकि संभा
मत विश्वास कर मु सब किछ मैनेज कर देबि। रश्मि तमे मते भलो पाओ ना को तमे मते बाहाबा को राजी अछ ना बाहा घर पुनी तमो सह आकाश तमे बधे तम स्टैंडर्ड भूली जाऊछ अरे तम मुह आईनार देखीच के बे मु भाभी थी तमे से शिव शंकर भोजनालय मालिक आ बाहा घर परे मु भी से शिव शंकर भोजनालय मालिकाणी हेले देखु ना अरे तमे तबे दंडर भिकारी पलटी गला मते लागिला मु बाहा घर परे से घरे रानी भली रहिबि ओएस करि थांती रे तुम अवस्था देखि लागु छी तमे त से घरे गोटे चक्रानी भी रखि परबनी आ उल्टी सबु काम तमे मो हाथ रु करैबो ना आकाश एते स्वप्न देखनी से सबु किछि भी हेइ परबनी सबु किछि भी करि परबिनी ना मु तमकु भलो पाए आ ना मु तमकु बाहा को चाहे आ एटा ही होची मोर फाइनल डिसीजन बुझि पाला तमे दुकान घर तो गला एबे घर तमर से रोगीना बुढ़ी आ तमरे नॉनसेंस भाई मानकु किए संभालिबो किसी काम धंदा नहीं दिन जाक बस काम कर रश्मि तु ये सब कौन कही जाऊ छु तोर जी आकाश को बाहा हबार नहीं तल डायरेक्ट मना कर इत्ते लोकों का सामना रे तू आकाश को आ परिवार को एमती इनसल्ट करनी ताको परिवार मान सम्मान विषय टिके भाव हे देखा देखा ए समस्त देखवा चालुणी कहूँ छुंची को शंभु शंभु शिव शंभु जार निजर मान सम्मान ना से अगर सम्मान कथा कह सब कि सरीगला आकाशर बाघर भागीगला घर को बड़ पु आसीपरि कौन हम ए घर कौन हम आकाशर कौन हम ए घर कौन हम करी हे भगवान ये कौन कर लो ये कौन वो करे हे मैं घर रो पड़ो आकाश रो पड़ो हम आकाश तोर कौन हो बाबा हे कौन हो बाबा कौन आस मो सागर तुम सब कि एकुटिया कथ बार अच्छे आस तुम मो सागर आस ए आकाश मो झी को कौन कह बुझे बाघर पर राजी कर तो नहीं 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 मत जा नजर रखा पड़ो आकाश
कहि दउछि कबाटा खोल नले मोटु खराब केही हेबेनि अस्पि सत कहिला तमे कोन मते भलो पाउना रश्मि सुन मो कथा टिके सुन से टोका कथा तू जम्मा भी सुनिबुनी हैला से तते फुसलाई फसलाई बाघर पे राजी करबा को चेष्टा करबो मो कथा माने जम्मा फसिबुनी ता कथा रे बाघर पे मना कर दबो हे मा व्यस्त हो छन प्लीज प्लीज मते कबट खोले गुते प्लीज ना 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 मो कथा के सुन रस्पी सब को किछ अरे सर छि रस्पी ओ पापा तको स्वप्न हो दुकान घर सब को किछ ओ आज ओ भाई मो मा को देर अवस्था भी ठीक नहीं ते सब अरे सला पर तुम घर पारि रश्मि प्लीज रश्मि मो कथा टे बुझे चेष्टा कर तरुटी निज मन को थे पचारिक देख तमें कौन सतर मत भल पाऊना तम मन में कौन मो टे भी जगह नहीं सतरे टा ही कौन तुम सबकि गोटे मनीषर खुशी आल पाइबा तम कौन कि मूल्य रखे मान एत सहजरे मो कथा मानवे कि गोटे बंदोबस्त कर बाघर पर राजी जदि तुम्हें बाघर पर राजी नब तुम दुई पर पांच सर्वा सबकि बाटर मिशि सही पारि रश्मि मो पाखे से धर्य ना प्लीज रश्मि रश्मि तुम राजी जाओ रश्मि मुमक अड़ेवा चाहूनी ए बाघर भांगा कथा चलने मो माँ देहर अवस्था आहरी खराब हो जाचे रश्मि तो मत बहुत भल पाओ कही तो रश्मि प्लीज ए बाघर पर राजी जाओ प्लीज रश्मि प्लीज बंद कल मोर बाहर को जीवार अच्छी आकाश पर सहित रोर नि दरकार खाली एवं नुह भूमि सारा जीवन तुम सहित ररकार कहीं से मानक तुम दरकार अच्छी तुम्हें कौन कह चाह मुवल एति कह चाहे एवं केवल तुम्हें ही आकाश को हेल्प कर मुझे सतरे साहय करें कहीं मो पाखे टा ही ना भूमि सब टकरे हेल्प करा जाए तुम मन अच्छी ना जब तुम बापा माँ तुमको छाड़ी चली जाइए से आकाश को बापा ही तुम सब भलमंद बुझी एमती कि से तुम स्कूल फी डिपोजिट करते तुमको बहुत भल पाते निज झी भमक स्नेह आदर दौले हाँ मिताली तांको भली स्नेह ममता
ମୋତେ କେହି ଦେଇନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇପଦ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବେ ଆକାଶକୁ ବି ତୁମର ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଦରକାର। ତମେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛ। ବସ ଏଇଠି ଭୂମି ବସ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାଘର କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ଦୁଇ ଦିନର ନାଚ ଗୀତ ନୁହଁ, ସମାଜର ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଶରୀର ଏକ ମନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବାହାଘର କୁହାଯାଏ। ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକାଠି ସାମ୍ନା କରି ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ, ବୁଝାମଣା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱର ଡୋରିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, ଯେଉଁ ଝିଅ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ କ'ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ ଭୂମି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା, ସେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଥାନ୍ତା? ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଆକାଶକୁ ବାହା ହେବା ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବି ତମେ ଆଜି ଜାଣିଗଲ। ଏବେ କୁହ, ରଶ୍ମି କ'ଣ ଆକାଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନା ସେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ? କୁହ ଭୂମି, ସେ କ'ଣ କେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଜର କରିପାରିଥାନ୍ତେ?